हेलो एवरीवन, बेटे आज हम ए हाउस ए होम पोएम के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। कुछ हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है और कुछ एक्स्ट्रा है, आपको दोनों ही करने हैं। फर्स्ट आपका ये देखो बेटे, यहाँ पर ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। ये आपको बस सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, इसमें इसने कहा भी होगा कि सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ए हाउस इज़ मेड ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इट हैज़, यानी कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। ए होम इज़ मेड बाय, कि जो होम है वो किससे बना होता है। और आपका फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन क्या है ये वाला, इट हैज़ डैश, इसमें क्या क्या होते हैं। अब आप इन चारों के आंसर भी देखो बेटे। फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है, ए हाउस इज़ मेड ऑफ लाइफलेस स्टोन एंड ब्रिक, लाइफलेस जिसमें लाइफ ना हो, ऐसे पत्थरों से और ईंटों से बना है। जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा था कि जो हाउस है वो किसका बना होता है, लाइफलेस स्टोन और ब्रिक का। सेकंड है इट हैज़, इसमें क्या क्या होते हैं, आपको मैंने 10 आइटम्स गिनवाई थी बेटा कम से कम, ग्लास विंडो, कोर्टयार्ड, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, डोर्स, रूफ, वुड, आप कुछ भी दे सकते हो जिससे आपको लगता है कि घर बनता है। और नेक्स्ट था ए होम इज़, ये हाउस था और ये होम है, कि होम किससे बना होता है। ए होम इज़ मेड बाई लव्ड वन, जो कि प्यार करते हैं, कंप्राइजिंग केयरिंग पेरेंट्स, और उसके अंदर क्या होते हैं हमारे, केयर करने वाले पेरेंट्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं। इट हैज़ और क्या होते हैं, होम में क्या होते हैं, देखो इट हैज़ इसमें भी आया है, इट हैज़ इसमें भी आया है, लेकिन ये हाउस के लिए था, ये होम के लिए। अब इसमें क्या होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं हु अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर ईच अदर। ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड थे। अब कुछ क्वेश्चन क्या है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि। ये आपके क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हाउस मेड ऑफ, अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ये ध्यान में रखना, हाउस के बारे में पूछ रहा है या होम के बारे में। एंड व्हाट इज़ होम, ए होम इज़ वेयर लविंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव टुगेदर। और आपका नेक्स्ट है इसमें बेटे, हु लिव्स इन ए होम, कौन रहता है, आपको पता है ये होम में ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, आप ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सब भी लिख सकते हो। दे लिव ऑल टुगेदर एट होम, लव बाइंड्स फैमिली, क्या चीज़ है जो फैमिली को बाइंड, मैंने बांध कर रखता है, दैट इज़ लव। और व्हाट बाइंड्स अ फैमिली, फिर से आ गया देखो सेम चीज़, लव बाइंड्स अ फैमिली, बाइंड्स याद रखना बेटा, बाइंड्स होता है जोड़ कर रखना या बांध कर रखना। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है बेटा, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड ए होम, डिफरेंस क्या है हाउस और होम में। ए हाउस इज ए स्ट्रक्चर, हाउस सिर्फ क्या एक स्ट्रक्चर है, हाउस क्या बेटे एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है, किसका, ब्रिक का और स्टोन का। और जो होम है वो क्या है बेटे, वो मेड बाई लविंग एंड केयरिंग फैमिली मेम्बर्स, ठीक है बेटे। ये हाउस के बारे में है, ये होम के बारे में है, और मेन हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है। बस आपका इतना ही है बेटा इसमें, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।